जी मुझे स्कूल खोलना है। क्यों? क्यों, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इतने सारे स्कूल खुले हैं, वहाँ नहीं पढ़ा सकते? नहीं, उन स्कूलों में तो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसी में तुम्हारे बच्चे को भी डाल दो। नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे तो जवान हो गए हैं। अच्छा, तो किसके बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? सभी के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। पांडे जी से मिले हो? उन्होंने ही अंदर भेजा है। वो हमारे प्यून है लेकिन वो ग्रेजुएट है। क्या करोगे बच्चों को पढ़ा के? इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, साइंटिस्ट बनाऊंगा, देश का नाम ऊंचा करेंगे। यही तो चाहते तो सभी यही है, पर क्या है, पढ़ने के बाद बच्चे नाम बदनाम कर देते हैं। मेरे स्कूल के बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, उनको ऊंची शिक्षा दूंगा। और क्या दोगे? और क्या दूं? कुछ दोगे तभी कुछ बनेगा ना। और क्या दूं आप बता दीजिए। वो तो वो बताएंगे। कौन बताएंगे? वो जो परमिशन देंगे। परमिशन कौन देंगे? जो वो लेंगे। वो कौन लेंगे? वो वहां बैठे, उसका नाम पटेल साहब। नमस्ते जी। और नमस्ते जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल योगी है। योगा सिखाते हैं? जी नहीं। तो किसी की एडमिशन के लिए आए हैं? जी नहीं। तो फिर यूं ही स्कूल खोलना है? ओहो, क्यों सरकार का और पैसा बर्बाद करना चाहते हो? अरे भाई, खोलना ही है तो कुछ कुछ ऐसा खोलो जिससे सबका भला हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल होटल खोलो, क्लब खोलो, बार खोलो। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, सच कहता हूँ। और हर डिपार्टमेंट के बाप के बच्चे के साथ पहचान है मेरी। मैं विद्या का मंदिर खोलना चाहता हूँ। हाँ, तो जो खोलना है वो खोलो। स्कूल खोलना है। जगह? जगह है मेरे पास। खुद की है? हाँ, मतलब दादाजी की थी, अब मेरे नाम पर हो गई है। अच्छा अच्छा, और स्कूल अपने कंधों पर खोलना चाहते हो या सरकार के कंधों पर? मिलजुल कर। अच्छा, मतलब सरकारी मदद भी चाहिए। जी। दोगे क्या? क्या? वही जिससे सबकी गाड़ी चलती है, पेट्रोल। मगर पेट्रोल के लिए क्या चाहिए होता है? कार। मगर मतलब कार के लिए मेन क्या चाहिए होता है? कार के लिए मेन पेट्रोल। नहीं, मत तो कहिए। दोनों के लिए क्या चाहिए होता है? दोनों के लिए ड्राइवर। ड्राइवर को कुछ दोगे कि नहीं दोगे? ओ, समझा। क्या समझे? यही कि वो वाली बात आप खुल के नहीं कहना चाह रहे। समझदार हो। थोड़े देर से ट्यूबलाइट चमकती है आपकी, मगर निकालिए। कितना? तो भाई आप पर डिपेंड करता है, जितनी जेब खोलोगे उतनी जल्दी स्कूल खुलेगा। जेब नहीं खोलूंगा तो स्कूल नहीं खुलेगा। मुझे ही कुछ देकर बात को आगे बढ़ाइए, यही एक रास्ता बचा है। तो बढ़ा दीजिए। क्या बात? तो दो। क्या दूं? अरे भाई वही। वो तो परमिशन तो दो। वो तो मिल जाएगी। तो वो भी मिल जाएगा? नहीं, ऐसे थोड़े था, मुझे तो अभी देना पड़ेगा ना। कितना? वो तो भाई प्रेम भाव से जो मर्जी है दे दो आप। ठीक है, अब जाओ। कहाँ? शुक्ला जी के पास। नहीं, परमिशन तो आप देंगे ना? नहीं, मगर फॉर्मेलिटीज शुक्ला जी पूरी करेंगे ना। नहीं, शुक्ला जी कहाँ बैठते हैं? वो इस टेबल पर बैठते हैं। अच्छा जी। अरे इस टेबल पे तो। अरे पांडे जी। हाँ जी। ये एक बात पूछनी थी। पूछिए, लेकिन पूछने से पहले आपको मालूम है ना मेरे कायदे कानून। हाँ, कुछ देना पड़ेगा तो दीजिए। हाँ तो ये लीजिए। अब पूछिए। ये शुक्ला जी कहाँ हैं? इंस्पेक्शन पे गए हैं। कहाँ गए हैं? इंस्पेक्शन पे गए हैं। वो क्या होती है? स्कूल खोलोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। कब आएंगे? पता नहीं। को किसे पता है? पता ही नहीं। अरे पटेल साहब। हाँ भाई, क्या है? ये शुक्ला जी कब आएंगे? रिलैक्स, वो आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मुलाकात कब होगी? जब आ जाएंगे। कब आएंगे? अरे मुझे क्या पता। तो किसको पता है? उषा जी पे ट्राई मारो। उषा जी पे ट्राई मारो? उषा जी से पूछो। अच्छा, उषा जी। उषा जी, अरे ये कहाँ चली गई? अरे भाई पांडे जी, ये उषा जी कहाँ चली गई? लंच पे गई हैं, आप भी जाइए, डेढ़ घंटे के बाद आना। अरे भाई, सरकारी दफ्तर में और कुछ हो ना हो, लंच बिल्कुल समय पे होता है। तो एक काम कीजिए, एक म्युनिसिपल का लेटर ले आइए। ले आऊंगा। ठीक है, एक कारपोरेटर का लेटर ले आइए कि इस जगह पे स्कूल खुलना क्यों आवश्यक है। जी ठीक है, एक मोहल्ले का एनओसी ले आइए। जी। और एक लेटर लाइए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि ये स्कूल वाली जगह किसी लिटिगेशन में नहीं है। वो क्या होता है? हाँ, किसी लफड़े में नहीं है। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। तो बस ठीक है, ये फॉर्म पकड़िए, इसको पढ़िए और भरिए। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। खुद पढ़े लिखे नहीं है, बच्चों को पढ़ाएंगे अभी नाटक हो रहा है। खुद तो पढ़ा लिखा ना जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है? मास्टर पढ़ाएंगे। और आप खुद नहीं पढ़े लिखे होंगे? भाई देखिए, पूजा करने के लिए पंडित होना तो जरूरी नहीं होता ना।
और पान खाने के लिए पनवाड़ी होना तो जरूरी नहीं होता। नॉट एट ऑल। तो फिर भाई स्कूल खोलने के लिए मास्टर होना जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, और मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो करिए महाराज, तो करवाइए ना। ऐसे नहीं। तो कैसे? जैसे सब करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? खिला पिला के। खिला पिला के? कमाल की बात है भाई, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री शिक्षा उपलब्ध कराने वाला हूँ और आप फ्री को ही महंगा बना रहे हैं। क्या करें, महंगाई का समान है ना। तो काम तो मैं ये करके रहूंगा। आप ही जैसे लोग देश को आगे बढ़ाते हैं। और आप जैसे लोग? अरे हम तो गधे हैं, यहीं बैठे रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं। सेवा का मेवा भी तो खाते हैं। क्या नजर लगा रहे हो, मेवा मेवा मावा चल रहा आजकल मावा। और क्यों? पान इतना महंगा हो गया है। अच्छा ठीक है, आप देखो ये, इसको पढ़ो और इसको जरा भर दो। अरे राजा, हम इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ एजुकेशन इंस्पेक्टर होते, पांडे जी की तरह प्यून होते। प्यून आप उन्हीं के पास जाइए, वो पढ़ भी देंगे और भरवा भी देंगे। ठीक है। अरे कहाँ चले? पांडे जी के पास। हमको अकेला छोड़ के? मिलूंगा ना आपसे। खाली हाथ? नहीं नहीं, भरे हाथ। भरे हाथ मिलना है जी। कमान ये लीजिए। धन्यवाद। शुक्ला को कितना दिया? अभी तो बस दिलासा दे के आया हूँ। तो ठीक है, अब आप डायरेक्ट बड़े साहब से जाके मिल लो। बड़े साहब कौन है? उनका नाम है भाटिया जी। भाटिया जी। नमस्ते जी। आइए आइए, नमस्ते। मैं जरा ये दाल मोट खा लूँ, गर्मा गर्म है। आप? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपसे खाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको बैठने के लिए बोल रहा हूँ। जी धन्यवाद। एक लड़के का एडमिशन करवाया था, उसके पिताजी ने दाल मोट का पूरा डब्बा भेज दिया। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं मैं आपने खाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप काम क्या करते हैं। जी मैं जूना पुराना सामान बेचता हूँ। अच्छा, मतलब कबाड़ी है? कबाड़ी था, अब आजकल तो धंधा बढ़ गया है। अच्छा, बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं? नहीं, स्कूल खोलना चाहता हूँ। क्या? एक मिनट एक मिनट, उषा जी जरा एक फाइल लेके आइए। तो जगह वगैरह है आपके पास? जी हाँ सब है। वेरी गुड सर, ये लीजिए। लाइए लाइए भाई, यहाँ साइन कर दीजिए। क्यों? अरे भाई आपको हेल्प चाहिए ना, तो जो बोल रहा हूँ वो करिए। चलिए ये लिए। देखिए मुझे तो सिर्फ अपना नाम लिखना आता है। हाँ आप लिखिए लिखिए, जल्दी कीजिए। उषा जी जी, कोटा पूरा हो गया ना? जी सर। बस फाइल ले जाइएगा। लाइए। हाँ भाई, आपका स्कूल तो खुल गया समझिए। सचमुच? देखिए ये फॉर्म मुझे ठीक से भरना नहीं आता, आप भर लेना, बाकी प्रूफ तो मैं ले आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। खाने के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे जाने के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा एक काम कीजिएगा, कल एक मिठाई का डब्बा लेके आइएगा और साथ में जो प्रूफ प्रूफ है। जी क्या बात है, उषा जी बड़ी खुश नजर आ रही है। एड के एडजस्टमेंट के लिए एक नाम कम पड़ रहा था, भाटिया साहब ने मुझसे निकाल डाल दिया। लेकिन उसने तो स्कूल भी नहीं खोला, एक कैसे मिल गई? यही तो। जी ये प्रूफ। और मिठाई का डब्बा? हाँ वो भी लाया। हाँ वो मुझे दे दो। और ये प्रूफ? वो शुक्ला को दिखा दो। जी मुसद्दी लाल योगी, ये है म्युनिसिपल का लेटर, ये कारपोरेटर का लेटर, मोहल्ले वालों की एनओसी गुड, और ये घर के डॉक्यूमेंट्स। गुरु तुम लेट हो गए। देखिए बात यह है शुक्ला जी कि अब इतने सारे लेटर इकट्ठे करने में एक हफ्ता भर तो लग ही जाता है। अरे बहुत जल्दी मिल गया तुम्हें, माँ कसम हम तो सोचे थे दो ढाई महीने लगेंगे। हाँ वो गवर्नर के साइन जहाँ दिखाओ फौरन काम आ जाते हैं ना। गवर्नर के साइन? हाँ ए, ये अरे ऐसे हर जगह नहीं दिखाते गवर्नर के साइन। तुम्हारे पेपर तो बिल्कुल सही है, बस पटेल साहब से मिल लो एक बार। जी भाई ये सारे पेपर्स असली हैं या माल खिला वेला के बनवा लिए हैं? एकदम असली हैं जी। देखो भाई नकली हुए तो फिर दो बातें होंगी, या तो आपका स्कूल खुलेगा या तो नहीं खुलेगा। खुलेगा कहाँ से, और नहीं खुला तो दो बातें होगी, या तो आप पर नकली प्रूफ पेश करने का मुकदमा चलेगा या तो नहीं चलेगा। नहीं चला तो ठीक, मगर मुकदमा चला तो दो बातें होंगी, या तो आपको सजा होगी या तो नहीं होगी। पटेल साहब मैं दो बातों की एक ही बात कर देता हूँ। कर दीजिए। पेपर असली है, मैं कैसे विश्वास करूं? कैसे करेंगे? सर्वे करा के? करवा लीजिए। हाँ करवा लूंगा, आप जाइए। कब आऊं? 15 दिन बाद। जी पांडे जी नमस्ते। नमस्ते, कौन हो भाई? अरे पहचाना नहीं, 15 दिन पहले आया था मैं स्कूल की आज्ञा लेने के लिए, मुसद्दीलाल योगी। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ पूछना? अरे नहीं अब तो मैं सब कुछ जान गया हूँ यहाँ के बारे में। नमस्ते उषा जी। नमस्ते पटेल साहब। नमस्ते शुक्ला जी। ये लीजिए पान। पानी है ना? हाँ भाटिया जी अंदर है ना?
रवि कौन था ये? कितने आते हैं किसको पता कौन था? नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, शायद भाटिया साहब का कोई रिश्तेदार होगा। कौन हो तुम? जी मुसद्दीलाल योगी, 15 दिन पहले आया था मैं स्कूल खुलवाने के लिए। याद आ गया, लेकिन मिठाई का डब्बा नहीं आया? मैं लाया हूँ साथ में मिठाई का डब्बा। ये बात, क्या खुशबू है असली की। अरे भाई साहब आपकी फाइल तो एकदम तैयार है, अभी मंगवा देते हैं, आप बैठिए ना। ये रही मुसद्दीलाल योगी की फाइल। ओफो, देख लेते हैं, पहले थोड़ा खा पी लेना तो दो यार। पांड्या जी आप बहुत ज्यादा मिठाई मत खाइए, इससे वजन बढ़ता है। पांडे जी मेरा वजन बढ़ता है तभी तो फाइल का वजन बढ़ता है। क्यों मुसद्दी जी? जी मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं, बाद में सब समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं ना तुम्हारी फाइल, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अरे रे 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 रे, यहाँ पे तो स्कूल खोलने की परमिशन भी नहीं ले सकती। क्यों? अरे ये तो बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में है, कभी भी गिर सकती है भाई। और बिल्डिंग गिरी तो बच्चों की जान जा सकती है। अरे नहीं नहीं, ये बिल्डिंग तो 100 साल तक नहीं गिर सकती। क्यों नहीं गिर सकती? यहाँ तो आज बनती है कल गिर जाती है। ये वाली नहीं गिर सकती। क्या सबूत है इस बात का कि बिल्डिंग नहीं गिर सकती? क्या है, मेरे दादाजी ने मरने से पहले इसको रिपेयर कराया था। नहीं भाई नहीं, हम तो देखो सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से चलेंगे ना। तो सर्वे किसने किया है? उषा जी ने। बुलाओ भाई, बुलाओ उनको, बुलाओ। यही तो मैंने जो देखा वो लिखा। आपने ठीक से बिल्डिंग का सर्वे किया था? किया। आपने बिल्डिंग को ठीक से देखा? देखा। अच्छा ये बताइए कि वो बिल्डिंग हरे रंग की है, लाल रंग की है या सफेद रंग की है? बिल्डिंग का कोई रंग ही नहीं है, सब रंग उतरा हुआ है। वो पंछी के घोंसले और मकड़ी के जाले के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो नाम भी मिट गया है। मैंने तो ऐसे आइडिया लगाया कि उसका नाम योगी हाउस हो सकता है। आपने हमारी बिल्डिंग का सर्वे नहीं किया है, आपने बाजू वाली बिल्डिंग का सर्वे किया है। वो तो सरकारी इमारत है, कई सालों से खड़ी हुई है। लेकिन भाई साहब आपको परमिशन फिर भी नहीं मिल सकती। मिठाई खाने के बाद भी नहीं? नहीं। क्यों? भाई साहब आपकी बिल्डिंग के बाजू में एक बिल्डिंग है जो खस्ता हालत में, जो कभी भी गिर सकती है। यही तो, अगर वो बिल्डिंग गिर गई तो स्कूल के बच्चों की जान जा सकती है। बाजू की बिल्डिंग गिरेगी तो बच्चों की जान क्यों जाएगी? अरे जब वो बिल्डिंग गिरेगी तो स्कूल की बिल्डिंग पे गिरेगी ना। यही तो, पहले वो बिल्डिंग रिपेयर कराओ बाद में स्कूल खोलो। देखिए आप लोग मुझे बिना वजह सता रहे हैं, अगर आपने मुझे ऐसे हैरान परेशान किया ना तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। क्या आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हो? कर लो, हमारा क्या? आत्महत्या नहीं करूंगा मैं ऊपर चला जाऊंगा मिनिस्ट्री के पास, स्कूल तो खुला के रहूंगा मैं। अरे भाई क्या हो रहा है ये? अरे होना क्या है, पता नहीं क्या चाहिए इन लोगों को, कभी कहते ये लाके दो, कभी कहते बोल, क्या चाहिए क्या? भैया कार्रवाई तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो कार्रवाई तो हो गई है, वो एक बिल्डिंग अड़ गई है बीच में। हाँ तो अड़चन निकाल लो। कैसे? वो पांडे जी आपको समझा देंगे। आइए मेरे पास आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए बताओ, चलो क्या करूं? वही करो, ले दे के छुटकारा करो। कितना लूं, कितना दूं? वही जो हमको दिया वही दो। 20 रुपए? अरे साइज देख के कीमत लगाओ। कमाल है भाई, मुझे तो लगता है मैं यहाँ पे स्कूल खोलने नहीं, स्कूल खरीदने के लिए आया। सारी एड यहीं से जाती है। एड फैलाते हो तुम लोग? बीमारी वाला एड नहीं, एड सहायता इमदाद। तो ऐसे कहो ना। कैसे? समझा के। अब आया? कौन? समझ में? क्या? ले दे के छुटकारा करो ना। कितना दूं? 50,000। क्या? हाँ, जो तुम्हें सरकार से हर साल मिलेगा ये उसका 1% भी नहीं है। तो देना ही पड़ेगा, तभी फाइल आगे बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ा दो फाइल। लो साहब आपका काम तो हो गया। मेहरबानी भैया, आपकी फाइल तो तोप की तरह आगे जाएगी। तो मैं मास्टर रख लूं? क्यों, खामखा हम रखवा देंगे ना। यही तो, टेबल कुर्सियां भी पहुँचा देंगे, पुस्तकें भी पहुँच जाएंगी। अच्छा तो कब आऊं? अगले साल। जी, क्या भाई, फाइल के ऊपर जाएगी आएगी, थोड़ा समय तो लगता ही है। ठीक, 1 साल बाद आने के लिए आपने कहा था, 5 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए लेकिन आज तक मेरी फाइल नहीं आई। अरे भाई आ गई है मुसद्दीलाल जी, आपकी फाइल आज ही आई है। अच्छा तो क्या सचमुच मेरे सपने साकार हो जाएंगे? जी हाँ, भगवान करे आपकी तरह सबके सपने साकार हो। ये लीजिए अपनी फाइल। अरे वाह भाई, अब तो सब मेरे यहाँ हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। हाँ, और मेरे यहाँ से साइंटिस्ट और डॉक्टर बन के निकलेंगे, देश का भविष्य ऊंचा बनाएंगे। यही तो, जब तक बूढ़े बुजुर्ग नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मतलब दादा मुनि, आपको प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति सरकार ने दी है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र? जी हाँ, जिसे आप अपने खर्चे से चलाएंगे। अपने खर्चे से चलाऊंगा? और आप अनपढ़ है तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, मतलब प्रिंसिपल भी आप और स्टूडेंट भी आप। यही तो, ये लो स्कूल बैग, चलो स्कूल जाना है, क्लास शुरू होने वाली है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.